रेप्लिकॉन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं लॉग एवं एंटी लॉग निकालना। तो बहुत आसान शब्दों में सीखेंगे हम लॉग एवं एंटी लॉग निकालना। तो सबसे पहले आपको लॉग के बारे में, जिसको बेसिक जानकारी भी नहीं है उसको भी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना, वो भी आराम से लॉग निकालना सीख सकता है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री में काम आए या मैथमेटिक्स में काम आए। तो अपन मेनली इसको लाइफ साइंस में जो अपने बायोकेम वाला पोर्शन है उसके पर्पज से इसको देखेंगे, लेकिन अपने जनरल एप्टीट्यूड में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो लॉग के बारे में आपको बेसिक जानकारी बताऊं, जैसे कोई भी लॉग होगा तो लॉग होता है उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ बेस भी होता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा लॉग 10, लॉग ई पढ़ा होगा आपने, एल एन भी पढ़ा होगा जिसको लॉग नेचुरल बोलते हैं। तो किसी भी प्रकार का लॉग हो उसका क्या होता है, एक बेस होता है ना, तभी जब उसका बेस दे रखा होगा तभी आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। तो हमें ओनली कौन सा लॉग पढ़ना है, लॉग 10 बेस में पढ़ना है। अगर लॉग 10 बेस में आप वैल्यू कैलकुलेट करना सीख जाते हो तो उसे आप आराम से लॉग एवं लॉग नेचुरल में कन्वर्ट कर पाओगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लॉग 10 और लॉग नेचुरल में क्या रिलेशन होता है। तो अगर आपको लॉग नेचुरल दे रखा है, अगर हमें लॉग नेचुरल दे रखा है और उसे किस में चेंज करना है, लॉग 10 बेस में चेंज करना है, लॉग 10 बेस में चेंज करना है, तो क्या करना है, बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई करना है। कितने का मल्टीप्लाई करना है हमें, 2.3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर लॉग नेचुरल दे रखा है हमें और उसे लॉग 10 बेस में चेंज करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.3 से, और वो वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, लॉग नेचुरल किस में चेंज हो जाएगा, लॉग 10 बेस में। ऐसे ही अगर हमें लॉग 10 बेस में कोई वैल्यू दे रखी है और उसे लॉग नेचुरल में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, उसे 2.3 से डिवाइड कर दो, किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाई 2.3 क्या हो जाएगा, वो लॉग नेचुरल में चेंज हो जाएगा। और आपको लॉग नेचुरल को लॉग 10 बेस में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 2.3 से। तो अब हम बेसिकली लॉग 10 को पढ़ेंगे, अगर लॉग 10 आपके समझ में आ गया तो आराम से लॉग नेचुरल और एंटी लॉग समझ में आ जाएगा। अच्छा, लॉग 10 बेस में सपोज करो हमें वैल्यू निकालनी है 1 की, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 है ना, ये फिक्स है। किसी भी लॉग में अगर आप 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो कितनी निकलती है, 0, चाहे वो लॉग ई हो, चाहे लॉग नेचुरल हो, कोई सा भी लॉग हो, चाहे वो लॉग 5 बेस हो, 8 बेस हो, 20 बेस हो, 100 बेस हो, कुछ भी हो, अगर उसमें आप 1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी निकलेगी, 0 है ना। तो ये अपन फिक्स याद रख लें, किसी भी लॉग में चाहे उसका बेस कुछ भी दे रखा हो हमें, उसमें अगर 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी निकलेगी, 0। ऐसे ही लॉग 10 बेस में 2 की वैल्यू क्या होगी, 0.30, लॉग 10 बेस में 3 की वैल्यू क्या होगी, 0.4771, इसको आप अप्रॉक्सीमेट 0.48 याद रख सकते हो ना। अच्छा, लॉग 10 बेस में 4 की वैल्यू क्या होगी, 0.60, यहाँ पे आप 20 भी कर सकते हो ना। अच्छा, लॉग 5 की वैल्यू क्या होगी 10 बेस में, 0.6990, 10 बेस में लॉग 6 की वैल्यू क्या होगी, 0.7781, लॉग 7 की वैल्यू क्या होगी, 0.8451, 8 की वैल्यू क्या होगी 10 बेस में, 0.9030, 10 बेस में लॉग 9 की वैल्यू क्या होगी, 0.9542, और 10 की वैल्यू कितनी होगी 10 बेस में, 1। तो ये वाली बात समझ में आई, ये आपको 4 डिजिट तक नंबर याद नहीं रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको आप 2 डिजिट तक याद रख सकते हो ना, जैसे ये 0.60, ये 0.70, ये क्या हो जाएगा 0.78, ये 0.85, ये 0.90, ये 0.95, ये 1। तो किसी भी प्रकार का लॉग हो, चाहे कोई सा भी लॉग हो, अगर उसमें आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो किसकी, उसके बेस के बराबर वैल्यू कैलकुलेट करोगे। जैसे लॉग 10 बेस में मैंने 10 की वैल्यू निकाली यहाँ पे,
लॉग 10 बेस में अगर 10 की वैल्यू निकाली है तो कितनी आई है 1। ऐसे ही लॉग ई में अगर मैं ई की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी 1। तो किसी भी लॉग में उसके बेस के बराबर अपन अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आती है उसकी वैल्यू 1 आती है ना। अब अपने काम के इनमें से केवल कितने हैं ये लॉग 10 वाले हैं ना। अगर आपको इनमें से भी सपोज करो आपको ये सभी याद नहीं होते हैं, इनमें से अगर आप कुछ एक को याद कर लो जैसे लॉग 2, 3 एंड लॉग 5, अगर आपको ये याद हो जाते हैं लॉग 2, 3, 5 तो अपने बायोकैम का काम आराम से चल जाएगा। अपने बायोकैम में ये तीन वैल्यू आएंगी बस, लॉग 2, लॉग 3 एंड लॉग 5। अगर आपको ज़्यादा झंझट में नहीं पढ़ना है इनमें तो आप केवल तीन वैल्यू को याद रख लेंगे। लॉग 2 की वैल्यू कितनी है 0.30, लॉग 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771 या 0.48, लॉग 5 की वैल्यू कितनी है 0.70 याद रख लो आप, है ना। सीधे ही अगर 0.699 आ जाता है तब भी कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये वाली बात समझ में आई। अच्छा, ये चेंज करना समझ में आ गया, इसको कैसे चेंज करेंगे। चेंज करना अगर समझ में आ गया है तो फिर अपन आगे चलते हैं ना। अब जो लॉग के बेसिक फार्मूले होते हैं, अपन लॉग के कुछ बेसिक फार्मूलाज देखते हैं ना। तो लॉग के कुछ बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला में कुछ ज़्यादा नहीं है। सपोज करो लॉग में अपने को वैल्यू दे रखी है, लॉग कुछ भी बेस हो ना, सपोज करो यहाँ पे 10 बेस है तो लॉग 10 बेस में हमें वैल्यू निकालनी है 1a × b की। तो हम इसे मॉडिफाई करके कैसे चेंज कर सकते हैं, लॉग जो बेस है वो तो बेस रहेगा ही, 10 बेस है तो 10 बेस ही रहेगा। इसको हम लॉग ए प्लस लॉग 10 बेस में बी। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का साइन है अगर इसको आप लॉग में अलग अलग लिखोगे तो ये प्लस में चेंज हो जाता है ना मल्टीप्लाई का साइन। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे अगर लॉग 10 बेस में अपने को ए डिवाइड बाई बी दे रखा है तो जो डिवाइड का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, अभी डिवाइड का साइन नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो लॉग 10 बेस में ए माइनस लॉग 10 बेस में बी। अच्छा, ये हो गया अपना सेकेंड नंबर का फार्मूला। अगर आपको थर्ड नंबर का ये फार्मूला याद है, लॉग 10 बेस में ए की पावर एन ऐसे दे रखा हो तो इसे हम कैसे चेंज कर देंगे बताओ। जो पावर होती है वो कहाँ पे आ जाएगी, लॉग के आगे आ जाएगी ना, जो पावर लगी होती है वो लॉग के आगे आ जाएगी ना, तो यहाँ पे ये पावर सामने आ गया ना लॉग के। तो ये तीन फार्मूले हैं, एक चौथा फार्मूला और होता है, जैसे लॉग 10 बेस में एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है बाई तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर बाई बराबर एक्स। ये लॉग को हटाने का तरीका है ना, अगर आपको लॉग हटाना हो तो कैसे चेंज हो जाता है, 10 की पावर जो दे रख लॉग 10 एक्स के बराबर में जो भी दे रखा है उसको 10 की पावर में लगा दो और बराबर किसके हो जाएगा वो एक्स के हो जाएगा। ये फार्मूला आपके कहाँ पे काम आएगा भी, जब आपको एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन दे रखी हो और आपको क्या निकालनी हो pH निकालनी हो उससे, है ना। जब आपको pH निकालनी हो तो इससे इस वाले फार्मूले से निकलेगी, है ना, pH कैलकुलेशन। ये आपके pH कैलकुलेशन में काम आने वाली है ना। अच्छा, ये लॉग और कहाँ कहाँ काम आएंगे, अपने अपने जो डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी पड़ी होगी, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, जो डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है उसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा डेल्टा जी का। डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस RTLNKC, है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो देखो वहाँ पे भी लॉग नेचुरल आता है तो लॉग नेचुरल को जब आप 10 बेस में चेंज करोगे तो यहाँ पे -2.3 हो जाएगा ना। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, -2.3 RTLNKC, एलएन की जगह क्या हो जाएगा लॉग 10 हो जाएगा। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा pH बराबर क्या होता है, -log10H+। अगर आपको किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है तो उसको अपन pH में चेंज कर सकते हैं ना, उससे अपन pH निकाल सकते हैं आराम से। तो उसके लिए हमें क्या आने चाहिए, log आने चाहिए उसके लिए भी। अच्छा, आपने पढ़ा होगा हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, एंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, जिसमें इक्वेशन क्या आता है, pH बराबर pKa,
pH बराबर pKa प्लस log 10। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस अपॉन नीचे कॉन्जुगेट एसिड, इन दोनों की कंसंट्रेशन। बहुत सारी समझ में ये होता है आपका हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। तो इन तीनों में ये pH डायरेक्टली काम आती है ना, यहाँ पे log आ रहा है, यहाँ पे भी log आ रहा है, और इसमें ये ln आ रहा है ना, इसको अपन 10 बेस में चेंज कर लेंगे अभी। अच्छा, इसके अलावा आपको फिर बायोकेम में बहुत सारे क्वेश्चन देता है, जैसे दो पीएच के सॉल्यूशन दे देगा आपको और उनको मिक्स कर देगा, फिर आपसे सॉल्यूशन की फाइनल पीएच पूछता है वो। तो सॉल्यूशन की फाइनल पीएच आप कब निकाल पाओगे, जब आपको लॉग आते होंगे ना, लॉग आते हैं तो आप आराम से पीएच निकाल पाओगे। अच्छा, ये नोट कर लिया, अब आगे चलें। तो अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यू इसमें से अपने कौन कौन सी याद रखनी है, लॉग 2, 3 और 5 की वैल्यू याद रखनी है, बाकी ये वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी वैल्यू अपने आप ही निकल जाती हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक जो वैल्यू हैं वो आपको निकालना सिखा देता हूँ कि बेसिक वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। तो सपोज करो हमें निकालनी है जैसे लॉग 5 की वैल्यू निकालनी है अभी, तो लॉग 10 बेस में, चलो अभी आपको 6 की वैल्यू बताता हूँ मैं ना, log 10 बेस में 6 की वैल्यू। तो log 10 बेस में अगर अपने को 6 की वैल्यू इस टेबल में से याद है तब तो ठीक है, अगर सपोज करो हमें याद नहीं है वैल्यू तो अपन कैसे निकाल लेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया ना, log 2, 3, 5 की वैल्यू अपने को याद है तो हम किसी भी वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। तो log 10, 6 को हम फैक्टर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 × 3, इसको 2 × 3 लिखेंगे ना। तो अब इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब लॉग हमें मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अब इसको आराम से कैलकुलेट करो, लॉग 2 प्लस लॉग 3, लॉग 2 की वैल्यू मैंने आपको याद कराई कितनी होती है, 0.30, प्लस लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771। तो ये कितनी हो जाएगी log 6 की वैल्यू, 0.7781। चाहे तो आप डायरेक्टली याद कर लो, यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं रहती है तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल उस संख्या के फैक्टर करना आना चाहिए। अगर फैक्टर करना भी नहीं आता है तो आसान शब्दों में सीख सकते हो, जैसे सपोज करो आपको अभी मैं वैल्यू देता हूँ 150, और मैं आपसे बोलता हूँ कि log 150 की वैल्यू निकालो, log 150 की आपको वैल्यू निकालनी है अभी। तो अगर आपको फैक्टर आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आते हैं तो आप आराम से फैक्टर ऐसे भी कर सकते हो, है ना, कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 150 लिखो तो ये संख्या भी देखो, आप चाहो तो इसको 10 से भी डिवाइड कर सकते हो, 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 15 बचेगा, है ना, क्योंकि log 10 की वैल्यू, तो आप हमें फैक्टर ऐसे उसमें करने हैं जिसकी वैल्यू हमें आती हो। तो आपको पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है, हमें याद रहती है ना हमेशा ही, तो एक तो 10 में कर लो, 10 से इसे डिवाइड करोगे तो 15 बचेगा। अब 15 की हमें वैल्यू याद नहीं है तो क्या करेंगे, फिर हमें 3 की तो वैल्यू याद है ना, तो इसको 3 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अभी 5 और ये 5, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 3 × 5 × 10, हमें log 3 की वैल्यू आती है, देखो यहाँ पे लिखाई मैंने अभी, log 3, log 5 की वैल्यू आती है और log 10 की वैल्यू आती है। तो अगर हमें log 150 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, log 3 की वैल्यू प्लस log 5 की वैल्यू प्लस log 10 की वैल्यू, तीनों को आप ऐड करो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, log 150 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log 10 बेस में 150, ये इतने नंबर हमें याद तो रहते नहीं, हमें तो केवल 2, 3, 5 ये 3 वैल्यू ही याद रखनी है, बाकी किसी वैल्यू को आप आराम से निकाल पाओगे। तो इसके फैक्टर कैसे किए हमने, log 3 × 5 × 10, ये 10 बेस में है ना तीनों ही, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है किस में चेंज हो जाएगा अभी, log 10 बेस में 3 प्लस log 10 बेस में 5 प्लस log 10 बेस में 10। अब log 3 की वैल्यू हमें आती है कितनी है, log 3 की वैल्यू 0.4771। तो आप सभी की वैल्यू रखो इनकी, और तीनों वैल्यू को अगर आप जोड़ दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, log 150 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, लगभग 2.17 आ जाएगी ना, अगर तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो। अच्छा, ये समझ में आ गया, तो अभी देखते हैं दूसरा वाला फॉर्मूला, है ना, ये तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो गया, अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखा है तो वो प्लस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा।
अगर डिवाइड की फॉर्म में दे रखा है लॉग तो नेगेटिव का साइन लग जाएगा ना दोनों लॉग के बीच में। तो इससे हम लॉग 5 की वैल्यू निकालना सीखेंगे अभी, है ना। लॉग 5 तो लॉग 10 बेस में हमें 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अभी। तो देखो अगर लॉग 5 की वैल्यू आपको पहले से ही याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10/2 क्या होता है 5। तो अब मैंने अभी आपको बताया फार्मूला कि कोई भी संख्या अगर डिवाइड की फॉर्म में आ जाती है तो डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाता है, नेगेटिव में। तो हम इसे क्या लिख देंगे, लॉग 10 बेस में 10 माइनस लॉग 10 बेस में 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3। कितनी हो जाएगी लॉग 5 की वैल्यू, 0.6990, ये हो जाएगी ना, यहाँ 0.7 मान लो। तो अगर आपको लॉग 5 की वैल्यू पहले से याद रहती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहती है तो फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। अच्छा अब देखते हैं अपन तीसरा फार्मूला। अब ये जो तीसरा फार्मूला है ये वाला a की पावर n, तो इसको हम देख सकते हैं। सपोज करो हमें दे रखी है संख्या लॉग 10 बेस में दे रखा है हमें 1000 दे रखा है ना, लॉग 10 बेस में 1000। तो इसको कैसे निकालेंगे अभी, लॉग 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10 × 10 × 10 बराबर क्या होता है 1000। तो अभी हमने क्या बताया कि जो पावर होती है वो कहाँ पे आ जाएगी, लॉग के सामने आ जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 लॉग 10 बेस में 10 और इसकी वैल्यू क्या होती है 10 बेस में 10 की वैल्यू 1। तो 3 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से 3 मल्टीप्लाई 1 बराबर क्या आएगा 3। तो बात समझ में आई, अगर लॉग 100 की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आएगी 2, लॉग 10 की कितनी आती है 1, लॉग 1000 की कितनी आएगी 3, लॉग 10000 की कितनी आएगी 4, 10000 बराबर क्या होगा 10 की पावर 4, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अच्छा पावर अगर नेगेटिव में हो तो जैसे लॉग 10 बेस में 10 की पावर माइनस 4 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो जो माइनस की पावर है तो माइनस की पावर आगे आ जाएगी, तो इसको कैसे लिख देंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर किस में आ जाएगा माइनस में। बात आई समझ में, अगर माइनस में पावर है तो आंसर भी किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब ये तो हो गए आपके बेसिक जो तीनों फॉर्मूले थे ये वाले। अब अपने काम में आता है ये लास्ट वाला फॉर्मूला, है ना, लॉग 10x बराबर अगर y हो तो उसे कैसे मॉडिफाई करेंगे, है ना। अब मैं इन तीनों ही फॉर्मूलों को मिटाता हूँ अभी और ये लास्ट वाला फॉर्मूला डायरेक्ट बताता हूँ आपको, है ना। ये अपने पीएच निकालने में काम आएगा ना ये वाला फॉर्मूला, लास्ट वाला। क्या बताया था फॉर्मूला मैंने अभी, लॉग 10x बराबर y हो तो 10 की पावर y बराबर क्या हो जाता है x, है ना। ये फॉर्मूला अपने काम आने वाला है ना पीएच कैलकुलेशन में। तो सपोज करो हमें किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 10 की पावर माइनस 5 दे रखी है ना, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो आपसे पूछ सकता है कि इस सॉल्यूशन की pH क्या होगी, इस सॉल्यूशन की आपको क्या निकालनी है pH निकालनी है, अगर आपको क्या दे रखा है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है। तो कैसे निकालेंगे फिर pH, क्योंकि pH का भी फॉर्मूला क्या बताया pH बराबर माइनस log 10 बेस में H प्लस, यही फॉर्मूला बताया ना अभी, pH अपने को निकालनी है। तो pH बराबर क्या हो जाएगा माइनस log 10 बेस में, ये H प्लस की वैल्यू क्या दे रखी है 10 की पावर माइनस 5, तो pH क्या हो जाएगी बताओ, ये जो माइनस की पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी आगे आएगी, जब माइनस की पावर आगे आएगी तो माइनस का साइन पहले से ही है तो किसका साइन हो जाएगा प्लस का, तो प्लस लॉग 10 बचेगा यहाँ पे। तो pH क्या हो जाएगी बताओ 5 इसका 1, तो pH क्या हो जाएगी 5 हो जाएगा ना, अगर किसी कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 10 की पावर माइनस 5, तो क्या आएगा उसकी pH 5। अच्छा ऐसी अगर किसी सॉल्यूशन की हमें केवल pH दे रखी है और pH से हमें निकालना हो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन तो कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज करो किसी सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो हमें दे रखी है 10 की पावर माइनस 2, कितनी दे रखी है 10 की पावर माइनस 2, और हमें क्या निकालनी है इससे
पीएच निकालनी है, तो पीएच कैसे निकालेंगे अभी? अगर हमें एच प्लस आयन की नहीं, हमें क्या दे रखी है, पीएच दे रखी है ना, पीएच से हमें एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है ना। पीएच दे रखी है सपोज करो हमें 2, और हमें क्या निकालना है, एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा अपने पास में, पीएच बराबर माइनस लॉग एन एच प्लस। अब हमें निकालना क्या है इसमें, पीएच हमें दे रखी है तो पीएच 2 रख लो, 2 के बराबर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग टेन एच प्लस। तो अभी एक फॉर्मूला बताया ना हमने, लॉग टेन एक्स बराबर वाई दे रखा हो तो टेन की पावर वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अभी टेन की पावर एच प्लस, टेन की पावर एच प्लस बराबर क्या हो जाएगा बताओ, नहीं टेन की पावर एच प्लस तो है पहले, टेन की पावर 2, लेकिन प्लस की 2 लगेगी या माइनस की 2, क्योंकि यहाँ पर देखो लॉग अगर पॉजिटिव में होता तो प्लस की वैल्यू लगती है, लेकिन लॉग किस में दे रखा है आपको, नेगेटिव में दे रखा है, तो वैल्यू किसकी आएगी, ये माइनस की, क्योंकि मैं लॉग टेन एच प्लस बराबर ये माइनस का 2 लिख सकता हूँ ना, इधर ये माइनस का साइन इधर भी आ सकता है ना। तो टेन की पावर माइनस 2 बराबर क्या बचेगा बताओ, एच प्लस। तो एच प्लस बराबर क्या आ गया सीधा सीधा, टेन की पावर माइनस 2। तो अगर पी एच हमें दे रखी है उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे ये साइन नेगेटिव में नहीं होता तो ये वैल्यू किस में आती है, फिर पॉजिटिव में आती है, ये साइन नेगेटिव में, इसलिए ये वैल्यू किस में आई है, नेगेटिव में आई है। अच्छा ये समझ में आया अभी, तो अगर ये समझ में आ गया तो अब हम देखेंगे एंटी लॉग निकालना और सीखेंगे ना, एंटी लॉग निकालना और सीखेंगे, फिर उसके बाद में इनके जो एप्लीकेशन है लॉग के वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी और आपकी क्या हुई एंडरसन हेजलबैक इक्वेशन और दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर फाइनल पीएच क्या होगी, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आज के वीडियो में हम एंटी लॉग निकालना सीखेंगे। अगर आपको लॉग एवं एंटी लॉग निकालना आ जाते हैं तो अपनी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करें। अच्छा तो अब हम क्या देखेंगे अभी एंटी लॉग, एंटी लॉग में कुछ भी नहीं है, अगर आपको लॉग समझ में आ गए हैं तो बस लॉग की रिवर्स प्रोसेस क्या होगी, एंटी लॉग, एंटी का मतलब तो आप समझते हैं पहले से ही। तो सपोज करो हमें निकालना है एंटी लॉग, सपोज करो आपको वैल्यू देता है 0.30, एंटी लॉग 0.30 वैल्यू देता है और पूछता है कि एंटी लॉग 0.30 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको बस क्या याद रखना है कि ये जो 0.30 वैल्यू है ये किस संख्या का लॉग होता है, तो किस संख्या का लॉग होता है ये, अभी अपन ने बताया ना लॉग 2 का क्या होता है, लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.30, तो एंटी लॉग 0.30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ये लॉग का क्या है बस रिवर्स है। ऐसे अगर आपको वो वैल्यू देता है एंटी लॉग -0.690, एंटी लॉग -0.6990, या ये माइनस का साइन ऐसे आपको आगे भी दे सकता है ना, माइनस एंटी लॉग 0.6990 ऐसे भी दे सकता है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी आपको नेगेटिव के साइन पर नहीं जाना है, अभी आपको क्या करना है, ओनली आपको सोचना है कि ये 0.6990 किसकी वैल्यू होती है, तो किसकी होती है वैल्यू, ये अभी आपको याद करवाई ना लॉग 5 की वैल्यू होती है ना 0.6990, तो ये हो गया 5। अब जो नेगेटिव का साइन है ये क्या शो करके जाता है कि ये 1 के अपॉन में आएगा ना, तो माइनस एंटी लॉग 0.6990 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1/5 की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सीखते हैं अभी, एंटी लॉग 1.30, एंटी लॉग 1.30 इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, तो पहले ये सोचो कि 1.30 किसका लॉग होता है, कौन सी संख्या का लॉग होता है ये, अगर ये भी याद नहीं है तो क्या करेंगे अपन, फिर इसके फैक्टर करेंगे ना, तो ये तो हो गया 1 और प्लस ये क्या हो गया 0.30। तो अब अपने को क्या करना है, 1 किसका लॉग होता है बताओ, 1 अपने भी देखा ना 1 होता है 10 का लॉग, तो ये हो गया 10, और 0.30 किसका होता है 2 का, तो ये रख देंगे यहाँ पे हम 2, और जो प्लस का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा अभी मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमने जब लॉग में फॉर्मूला देखे उसमें जो मल्टीप्लाई का साइन था उसको प्लस में चेंज किया, तो यहाँ पे प्लस का साइन किस में चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा 20। तो एंटी लॉग 1.30 की वैल्यू कितनी होगी 20। अच्छा अगर
एंटी लॉग, ये माइनस साइन होता तो 1.30 होता तो कितनी हो जाती फिर ये 1/20। आई बात समझ में? चलो ये दो तीन फॉर्मूले और देता हूँ मैं आपको, है ना। अभी आपको वैल्यू निकालनी है एंटी लॉग 3.69, ये माइनस में है ना, एंटी लॉग 3.69। और आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, एंटी लॉग 4.90, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है और आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है ना। तो अगर आपको किसी भी संख्या का लॉग एवं एंटी लॉग निकालने में अभी भी दिक्कत हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हो और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इसके एप्लीकेशन लेके आएंगे जिसमें आपको गिब्स फ्री एनर्जी में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन का जो हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है पीएच निकालने के लिए, उसमें अपन अप्लाई करेंगे इसको, और पीएच मिक्स करने पर फाइनल पीएच क्या होगी सॉल्यूशन की, तो वो अपन निकालना सीखेंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ये तो चैनल को अपने को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करें।